अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये बिफोर हमारे क्लाइंट के हेयर्स हैं जिन्हें हमने जो है हाइलाइट्स किया था और बेस कलर को भी लाइट किया था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हम लोगों ने सबसे पहले बालों के कलर को लाइट करने के लिए इसमें डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर को यूज़ किया था। और डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर में हम लोगों ने जो है यहाँ पर 15-17 नंबर की जो है वो ट्यूब ली थी, और उसमें हमने 40 वॉल्यूम को मिक्स करके तो सबसे पहले इनके पूरे हेयर्स के ऊपर इसको जो है वो अप्लाई कर दिया था। तो स्टेप बाई स्टेप सेक्शन लेने अप्लाई करने का मेथड भी आप लोगों को मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, और आज आप देख लें कि जब हमने अप्लाई करना है तो हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करना है। ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से आपके बालों पर लगे ही नहीं, ठीक है। आपने स्टेप बाय स्टेप हर एक जो आपने लेयर लेनी है, ठीक है, उसको आपने जो है वो कॉम के साथ पहले बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, और उसके बाद फिर उसमें अपने प्रोडक्ट रखें और उसे हाथों से ब्लेंड कर दें इतना कि आपको फ़ील हो, आपके हाथों में फ़ील होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से पूरे हेयर्स के ऊपर आगे पीछे लग चुका है, ठीक है। जब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि ये आपको उसी टाइम फील होगा जब आपके हाथों में कलर होगा, ठीक है, हाथ बाल होंगे और आप इसको अप्लाई कर रहे होगे, तो इस चीज़ का आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होता चला जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो हर जगह पर जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो पहुंच रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको परफेक्ट रिज़ल्ट लेना है, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट जो है वो पैची आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, हम लोगों ने फील हो रहा था कि हमारे हाथों में उतना कलर नहीं है जितना बाल को ज़रूरत है, तो हमने अगेन और कलर लिया है और ऊपर की तरफ लगा के उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है वो इस तरह से जो है वो ब्लेंड कर दिया है। तो आप भी सेम इसी को ही जो है वो प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको भी जो है वो परफेक्ट काम करने का जो है वो मौका मिलेगा, ठीक है। ये देखें बहुत अच्छे से रूट्स के पास, तो बेशक आप हमने 40 वॉल्यूम इसमें यूज़ किया है, हम अपने स्कैल्प पर इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन रूट्स के करीब तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो है तकरीबन 40 मिनट बाद हमने वॉशिंग करवाई थी, और उसके बाद का रिज़ल्ट है हमारा बेस कलर लाइट हो चुका है। अब हमें इन्हें करना है हाई लाइट्स, ठीक है। तो 1 ईयर पहले इन्होंने हाई लाइट्स करवाए थे, और आज फिर से जो है वो ईद की खुशी में ये हाईलाइट्स जो हैं वो लेने आई हैं। तो यहाँ पर हम क्राउन एरिया में सबसे पहले फॉइल पेपर्स को जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसा कि पता है कि फॉइल पेपर का जो फोरहेड का हिस्सा होता है वहाँ पर हमेशा हमें जो है वो वीविंग ही करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्लाइसिंग करेंगे तो एक मोटी सी लेयर आपको नज़र आएगी। बहुत सारे लोग उससे भी लाइक करते हैं, अगर उनकी डिमांड हो कि फ्रंट पर उन्हें एक बिल्कुल जो है वो फ्लिक चाहिए हैवी वाला या कुछ, तो फिर उसके मुताबिक आप ज़्यादा उनको लाइट कलर दे सकते हो। प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। हम लोगों ने इस वक्त जो है वो ब्लीच पाउडर लिया है, और हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो 30 वॉल्यूम को मिक्स किया है, और इसको जो है वो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। बाल क्योंकि वर्जन है, बालों पर कोई ऐसा केमिकल नहीं यूज़ हुआ है कि हम 40 वॉल्यूम को जो है वो इनके बालों पर यूज़ करें। वैसे भी जो फ्रंट वाले बाल हैं हम जब बैक तक जा रहे होते हैं तो इनका टाइमिंग जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो है वो माइल्ड यानी कि 30 के साथ ही जो है वो इनको जो है वो प्री लाइटनिंग करें। यहाँ पर हम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बारीक बारीक सेक्शन लेते हुए हम लोगों ने फ्रंट पर जो है वो वीविंग किया फर्स्ट फॉइल में, बाकी हम स्लाइसिंग के साथ काम कर रहे हैं, यानी बिल्कुल बारीक लेयर लेते चले जा रहे हैं। और माशाल्लाह से हमारी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत अच्छे से जो है वो उन्होंने मसलन आज वर्किंग की है, ठीक है। थोड़ा ये होता है कि जैसे जैसे उनको मौका दिया जाता है काम करने का, आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथों में परफेक्शन आ जाती है। ये वॉशिंग के बाद का रिज़ल्ट है हमारा, ठीक है। और जो हमारी प्री लाइटनिंग का रिज़ल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा वो जो है वो खूबसूरत आया, क्योंकि बाल वर्जन था, ठीक है। 10 लेवल लिफ्ट हो गया बाल, और अभी जो है वो 10 वॉल्यूम जो है डेवलपर में हम लोगों ने 9.1 और 10.7 को जो है वो मिक्स कर लिया हुआ है, और इसे बहुत अच्छे से इसमें हमने डेवलपर डबल रेशो में यूज़ किया। 9.1 की एक ट्यूब ली है जबकि 10.7 की हाफ ट्यूब ली है, और इसमें डबल रेशो में हम लोगों ने जो है वो 10 वॉल्यूम को मिक्स किया हुआ है। और अभी हम पूरे हेयर्स के ऊपर जो है वो ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि पूरे हेयर्स के ऊपर आपने इसकी जो है वो टोनिंग कर देनी है। बाल आपका लाइट सा वेट होना चाहिए, 20% बालों को आप वेट कर लें, और फिर इस तरह से जो है वो आप टोनिंग अपने हेयर्स के ऊपर जो है वो कर लें। 20 मिनट इसको प्रोडक्ट को बालों पर लगा रहने दें, उसके बाद वॉशिंग कराएं, ठीक है। वॉशिंग करवाने के बाद बालों की हल्की सी स्ट्रेटनिंग कर लें ताकि फिनिशिंग लुक आपको अच्छे से नज़र आ सके, और फिर उसके बाद का रिजल्ट आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। लाजमी कमेंट किया कीजिए,
और वैसे भी हमारी स्टूडेंट माशाल्लाह अपने स्ट्रगल में लगी हुई हैं, ठीक है। आजकल क्लासेस क्योंकि जो है वो चल रही हैं और प्रॉपर आपके सामने जो है जो हमारी स्टूडेंट वर्किंग कर रही हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी अगर सीखना है काम है तो हमारे हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारी स्टूडेंट बने, ठीक है। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा क्लासेस वगैरह जो है वो अरेंज की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे हेयर्स के ऊपर जो है वो इनकी एप्लीकेशन कर देनी है, उसके बाद 20 मिनट के बाद वॉशिंग करवानी है। वॉशिंग करवा के फिर आप लोगों के साथ जो है वो इसका रिज़ल्ट जो है वो शेयर कर देते हैं।